तो आज हम जा रहे हैं मार्केट करने बेगमपुर। आज इधर को तो गाइस आज हम जा रहे हैं मार्केट करने। मेरी आ रही है मामी, उनके लड़के की है शादी, उनके लिए साड़ी वाड़ी, भाभी के लिए साड़ी देखेंगे, और उनकी मेकअप की किट करवानी है रेडी, और इनके बाबूजी के भी कपड़े लेके आने हैं शादी में पहनने के लिए, तो ये भी जा रहे हैं। चार पैंट चार शर्ट, और अनमोल के भी, अनमोल की मैंने इसमें ले लिया साइज। अभी हमारी आ रही है रिक्शा खड़े, तो गाइस ऑटो मिल चुका है। तो गाइस हमारी रिक्शा आ चुकी है, पता नहीं जाएगा या नहीं, जहाँ तक पूछ रहे हैं अभी। तो गाइस हम बैठ चुके हैं, तो गाइस हम बैठ चुके हैं रिक्शा में। देखो ये मेरी बहन है जो कि जिठानी भी है, देव बाबूजी बैठे हुए पीछे, अरे ये हैं भैया रिक्शा वाले। चलो अब देखते हैं ऑटो में बैठेंगे वहाँ जाके। तो गाइस दिखाऊंगी मैं साड़ी कैसी कैसी ली है हमने भाभी के लिए, ठीक है, ओके बाय। तो गाइस हम जा रहे हैं, अभी अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बेगमपुर जा रहे हैं गाइस हम, मेरठ के जो उसे काय के नाम से लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, उसे लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, वैसे तो उसका है नाम बेगमपुर। तो गाइस हम जा रहे हैं रिक्शा में, देखो साड़ी कैसी लगी ले वाली लेनी तो है नहीं, डमी ने पहन रखी थी। तो गाइस हमारी ना मामी आ रही है, मेरी मम्मी की भाभी, उनकी लड़के की शादी है, उसके लिए लेनी है साड़ी। दिखाऊंगी मैं कैसी कैसी साड़ी ली है, बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो गाइस पूरा देखना हमारा ब्लॉग, एक समय ना हिल रहा है। गाइस हमारा ब्लॉग ना पूरा देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है गाइस। देखो गाइस यहाँ पे ना एक घर है, उस घर में मुझे लगा शादी है, सज रहा है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको शादी वादी होगी किसी की, क्या होगी। तो गाइस देखो हम जा रहे हैं, वो एक भूल पता नहीं क्या हुआ, कूलर कूलर को ढा दे, ये घर सही। कैसा लग रहा था सजा हुआ घर, अच्छा कमेंट में बताना। चलो तो गाइस मैं बाद में करती हूँ, बाद में आती हूँ वीडियो बनाऊंगी बाद में। हवा चल रही है मार्केट में, देखो मैं आपको मेरठ की मार्केट दिखाऊंगी बैक कैमरा करके। देखो भाई ये है क्या है, ये शारदा रोड, ये शारदा रोड की मार्केट है। देखो तो गाइस देखो ये शारदा रोड की पुलिस चौकी है, ये लड्डू वाले, ये झंडे वाले हैं लड्डू वाले, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, धूप हो रही है। पुलिस वाले को ये दिखा दे ना, पुलिस वाले खड़े हुए बात कर रहे हैं, काम धंधा करते हैं। ये लंबे की दुकान है, ये मेरे दोस्त मतलब मेरे पति की दोस्त की दुकान है ये वाली अब पता नहीं है नहीं है। ये देखो ये चारा जा रहा है टांग में, अरे ये वाली तो थी कल, ये क्या निकल रहा है। तो गाइस देखो ये है मार्केट, चलो मैं दिखाती हूँ बाद में। तो गाइस हम उतर चुके हैं, अब हमने दूसरे रिक्शा देख रहे हैं, उसमें से तो उतर गए हैं, चलो सड़क पार कर ले। गाइस हम कर रहे हैं सड़क पार,
दादी का स्कूल है, देखो ये रहा देवनगरी। हमारे पैसे लग चुके हैं ज्यादा, 15 रुपए किराया है और हमारे से ले लिए 40 रुपए। 40 ना, तो 20 हमारे वहाँ लगे थे उस वाले ऑटो को दिए 20, यहाँ पे दिए तो लगे नहीं 40। हाथ पकड़। चलो गाइस, तो फिर हम मिलते सड़क पार करने के बाद। गाइस हम तो आ चुके हैं मार्केट में, अभी हमारी मामी नहीं आई है। गाइस मेरी मामी आ चुकी हैं, ये है भैया जी के साथ ही है। कौन है? लॉगिन कर लिया क्या? बता दे, ये है जी की शादी है। आइए मेरी मामी, आए करो। तो गाइस ये आई है अपनी बहू के लिए साड़ी लेने, तो दिलवाते हैं, ठीक है, मिलते हैं बाद में। तो गाइस यहाँ पे हो गया बहुत ज्यादा भीड़, जैसे कि देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। चलो मिलते हैं बाद में। ये देखो कौन सी कांवड़ है, ये फागन की कांवड़ है। ये वाली कांवड़ सबसे ज्यादा कैरी रहती है, क्योंकि अब 2-3 ही रहते हैं ना, इसीलिए। चलो गाइस आगे भैया। गाइस हम आ चुके हैं मार्केट में, देखो क्या देखो, पर्स है, इसका रेट पूछो। किसके पूछना? इसके ये कितने का? 250 का। ये दिखा देखो भाई साहब, कर रहे हैं। तो गाइस ये हम पर्स देख रहे थे, ये 250 रुपए का है, लेना भाभी के लिए। ले लेंगे अपने आप। गाइज मैं पहले ढूंढ लेती हूँ दुकान, क्योंकि वो दुकान मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं आपसे पहले दुकान ढूंढ लूँ फिर। तो गाइज फाइनली हमें वो दुकान मिल चुकी है, अब हम खरीद रहे हैं साड़ी। एक माइक ले ले। आवाज ना आने, भैया कह रहे हैं एक माइक ले ले, उससे अच्छी आवाज आएगी। देखो गाइज, हाँ पहले पसंद कर लो। तो गाइज देखो ये लांचा खुला हुआ पड़ा है, ये रेड है ब्राइडल का लहंगा। मामी बनारसी में देखो, बताओ कैसे मैं खुलवाऊंगी बनारसी में ना। और वैसे मैं एक कड़ी सीफोन। अच्छा भारी सी में दिखवाऊं कांजीवरम में, कैसे दिखवाऊं? Thank you.
भैया साड़ी को देख रहे छू छू के कहीं भाभी के चुपे चलो ना भैया तो कहीं और देख लो। तो गाइस वहाँ पे कोई भी साड़ी नहीं आई है पसंद, हम सब आ चुके हैं वहाँ से मुँह लटका लटका के देख रहे हैं हम मुँह लटक रहे हैं ऊंचा नीचा आराम से उतर आ जाओ भाई सारे टीम के आ जाओ सारे पता नहीं आ जाओ एक साड़ी की दुकान एक और मिली है साड़ी की दुकान हमने ढूंढ ली एक और दुकान हमारी तो टीम के खो गई है आ गई मामी मेरा सूट भी नहीं है हाँ ये रे देख देखे इस एक बस वाले को खुलवा लो मामी एक बस खुलवा कर देख लो सही ना नहीं तो गाइज फाइनली मेरी मामी को आ चुकी है साड़ी पसंद जो इनके हाथ में एक तो ये वाली मतलब दो तीन साड़ी पसंद आई है गाइज मुझे आ रहा सूट पसंद गाइज ये वाला सूट अच्छा लग रहा है सूट पता नहीं कितने का तो बहुत महंगा सामान खरीद लो मैं जीप जोर पड़ रहा तो भैया के जीप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे क्या हो गया सस्ती है तो भैया दिल्ली से माल ले आए थे उसके आ गए थे महंगी लग रही है देखिए तो काली सी बीच वाली गिरे हाँ इतनी होगी क्योंकि नेट है ना नेट पर कढ़ाई हो रही है तो भाई देख लो साड़ी पसंद हो रही है मेरी हाँ देख लो तुम निकाल के भैया तो अपनी साड़ी की तय कर रहे हैं मतलब भैया तो अपनी साड़ी की तय कर रहे हैं हाँ क्या आपके साथ से ये कितने की है 1200 रुपए उनके लिए चाहिए एल्युमिनियम में है ना ये एल्युमिनियम वर्क में नहीं 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 तो गाइस अब हम ये दूसरी दुकान पे आए हैं वहाँ तो कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी दोस्तों ये इतने बेकर रही हैं गाइस भैया कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे थे अब भैया शर्मा गए हाँ तो क्या साड़ी के लिए क्या मैं भाभी को दिखाऊंगी कि भैया ने भी शॉपिंग करी थी तो गाइस भैया कुछ बोल रहे थे हैं वो बस शर्म के मारे हम कुछ बोल नहीं रहे बंद कर ले नहीं ये इसीलिए नहीं बोल रहे करीब अभी भाभी को दिखाऊं ये तो गाइस हमने साड़ी ले ली है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाई थी तो देखो गाइस एक तो भाभी के लिए ये वाली साड़ी है कितने की कैसी लग रही है गाइस कमेंट में बताना लो इसे रखो पन्नी में तो गाइस देखो एक साड़ी हमने ये वाली ली है येलो कलर की कैसी लग रही है गाइस कमेंट में बताना मामी ने ली है अपनी बहू के लिए यानी कि मेरी होने वाली भाभी के लिए तो गाइस साड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना आज तक मम्मी ले गई स्टोन
कपड़ा डबल में है यार। तो मेरी नानी ने खरीद लिया स्टॉल, ये ऊपर ये रेड वाला, ये वाला, ये वाला लिया। कौन सा लिया मम्मी? तो आज ये वाला भी ले लिया है। तो गाइज हमने लिए है बैग। तो गाइज मामी को हमने दिलाया बैग, ये देखो एक इसके अंदर है, दो लिए 80-80 रुपए के हैं। गाइज लेने हैं तो आ जाना बेगमपुर की मार्केट में। तो गाइज मामी की शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लेंगे अपने कपड़े। निकलते तो है नहीं, बाय बोल रहे हैं। सही से नहीं निकलते हैं, बोलो हमें भी जरूरी है। तो गाइज ये जा रही है, ठीक है बाय कर दो। चलो चलो गाइज ठीक है, मामी दे रही है विदाई हमें, विदाई दे रही है। ठीक है बाय, ठीक है। तो यार आज हमारे सामने चाची के लड़के का बर्थडे है, तो हमने ये लिया है उसके लिए सेट। हेलो गाइस, आ जा आ इधर। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर। आ इधर। तो गाइस देखो ये है घंटाघर मेरठ का, घंटाघर। तेरा फोन ना ले ले कुछ। अरे चल तूने तो डरा दिया। तो गाइस हम इसके अंदर को जा रहे हैं, ये घंटाघर है मेरठ का। ये देख लो गाइस, ये देख लो घंटाघर। तो फोन उठवा ले। गाइस ये घंटाघर की मार्केट है, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और गाइस इधर वॉच भी है, देखो चाहिए तो ले जाना, यहाँ पर सस्ती वॉच मिलती है क्योंकि ये घंटाघर है ना। भूखे भी हैं गाइस, मिठाई खाने के भिजवा दो। और अभी दिखाऊंगी जहाँ हम जा रहे हैं। राज्य देखो मानवी के लिए अच्छी लग रही है ये वो पैर भी नहीं है ऐसे। गाय घंटाघर की मार्केट है, देखो कार्गो वगैरह हैं, ये सूज हैं इधर, ये सूज वो पीछे वाले थे, ये कैची की है, ये देखो गाइस देख के चलो। मैं तुम्हें यहाँ से मेरठ की शॉपिंग मतलब मेरठ की मार्केट दिखा दूंगी। हम तो आने वाले दिखे हैं पीछे, हम इधर वाले रास्ते से जा रहे हैं। देखो भाई ये स्टोर है, बेड सीट भी है। भैया माता के शोरूम बता रही हो? देखो हाँ ये आ गया बाटा का शोरूम। गया पीछे गई भैया, यही रोक दो। चलो गाइस तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस हम आ चुके हैं जहाँ हमें आना था, ये पता नहीं चल बहन आगे को। हाँ सामान रखवा दे। ये गाइस कॉस्मेटिक की है, यहाँ से हम अपना कॉस्मेटिक का सामान लेते हैं। हाँ गए पर वे तो चले गए ना, जिसे लेनी थी ना वो चले गए। भैया हमने उससे कहा था कि हमारे साथ चलो वहाँ पे मिल जाएगी।
पर वो चले गए, उन्हें लेट हो रहा था। कितने की है बस ये? हमारे नसीब में। हाँ मैंने तो कहा था मेरे खमा सही मिल जाएंगी होलसेल की, चलो बिंदी के पत्ते लूंगी मैं भैया। तो गाइस हम आ गए हैं दुकान पे, जोनसी पे हमें आना था। ये भैया हैं, हम इन्हीं के यहाँ से आते हैं लेना। ये होलसेल की दुकान है, मैं देखती हूँ रेवन मॉल के लिए। बंद कर रहे थे ना भैया? हाँ बंद तो कर रही थी, मैं सामान बाहर निकाल लूँगा। तो गाइस भैया को हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, इन्होंने दुकान कर दी थी बंद। देखो ये बंद कर रहे थे बेचारे हमारे लिए। चलो गाइस मैं भी ज़रा देख लेती हूँ क्योंकि इन्हें वैसे ही लेट हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ बाद में। ठीक है गाइस, ओके बाय। कपड़े तो हमने खरीद चुके, पैंट पैंट लिए, शर्ट लेनी, बैग कर दी। देख सकते हो हमने खरीद लिया, बिंदी बिंदी बिंदी। तो गाइस अगर किसी को खरीदने, चलो मिलते हैं घर जाके, बाय। तो गाइज हम आ चुके हैं घर पर, अब देखते हैं इसकी जो पैंट लेके आई मैं अनमोल की, देखो कैसी लगती है इसे। चलो तो गाइज ठीक है, बाय, ओके बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, हमारी पूरी व्लॉग देखना। ओके गाइज बाय, व्लॉग का होता है यहीं पे लास्ट।